नवंबर महीने में हम विशेष रूप से हमारे परिवार से गुजर गए प्रियजनों को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज कलीसिया से दूर होकर मर गए सभी विश्वासी भाई बहन भी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 7 में वचन कहता है, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। हे प्रभु ईश्वर, आज कलीसिया में अर्पित होने वाले सभी युक्तिस्थ बलिदान के योग्यता अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, जो विश्वासी भाई बहन विश्वास को त्याग कर कलीसिया को छोड़कर चले गए हैं और परलोक की ओर सिधार चुके हैं, उन सभी आत्माओं के सब पापों को क्षमा कर जिससे वे तेरे राज्य में शांति के साथ निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन।